समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश सन 1947 15 अगस्त अंग्रेजों की एक तानाशाही दमनकारी शासन के लगभग 250-300 वर्षों बाद भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्रता की बात आती है तो असंख्य अनगिनत क्रांति वीरों का नाम जहन में आता है, जिनके बलिदान से, तप, त्याग, संघर्ष से ये राष्ट्र का निर्माण हुआ, ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। उनमें कुछ जिनको आज की युवा पीढ़ी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अली खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कई नाम सामने जहन में आते हैं। जब भारत राष्ट्र को स्वतंत्र कराया गया था तो एक ही विचारधारा थी कि इस राष्ट्र में समानता हो, हर एक व्यक्ति भय, भूख, भ्रष्टाचार से दूर एक शांत, एक समानता पूर्वक वातावरण में अपने जीवन का आनंद ले, यापन करे। युवा पीढ़ी की बात करें तो देश भगत सिंह को सबसे पहले युवा पीढ़ी याद करती है। उनका एक कथन था, मैं बार बार दोहराता हूं, कि हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, पर क्या यह आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान तक पहुंच पाएगी, या यह आजादी देश के चंद मुट्ठी भर अमीरों तक सीमित रह जाएगी। वे कहते थे कि गोरों से तो आजाद हो जाएंगे, पर क्या भारत कहीं भोरों के पास तो कहीं नहीं ना आजादी टिक के रह जाएगी। आज इस बात को मानना होगा। भगत सिंह ने जो चिंता जताई थी, ये आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, पर क्या यह आजादी एक आम व्यक्ति तक जाएगा, आज भी उस पर सवाल है। देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, एक पंक्ति कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधिया सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। कि कलकत्ता के फुटपाथों पर जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो मसला आज भी जीवंत है। तो खैर, ये चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज एक गौरवशाली समय है, एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। सबको, राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि भारत को जो मिटा सके ऐसा कोई अभिमानी नहीं, कि भारत को जो मिटा सके ऐसा कोई अभिमानी नहीं, इतना खून बहेगा सरहद में जितना गंगा में पानी नहीं। भारत की क्रांति वीरों के रक्त के बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ है। फिलहाल अभी देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सरकार का स्वागत है। चूंकि तिरंगा हमारे हृदय में वास करता है, हृदय का विषय है, लेकिन मेरा मानना है हृदय और दिमाग दोनों को संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अगर तिरंगा हमारा हृदय है तो संविधान हमारा दिमाग है। अतः हर घर तिरंगा के तर्ज पर ही हर घर भारत का संविधान, यह मुहिम भी चलनी चाहिए। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा गणतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला देश है, संवैधानिक देश है। तो संवैधानिक देश में संविधान की चर्चा, संविधान की जानकारी हर एक भारतीय को होनी चाहिए, यह बात तो तय हो। लेकिन मुझे आयु हमारी उतनी नहीं, लेकिन फिर भी अनुमान कहेंगे, अगर आज भी सर्वे होता है, आज एक कोई टीम बनती है और गांव गांव जाकर सर्वे करती है, 1,40,00,000,000 की जो हमारी अनुमानित जनसंख्या है, 140 करोड़ की जो अनुमानित जनसंख्या अगर वहां तक सर्वे करती है, तो मुझे लगता है 70% लोगों को संविधान में रुचि नहीं, ना संविधान की विशेष जानकारी है, ना संविधान के उपबंधों को जानती है, ना संविधान के कानूनों को जानती है, ना संविधान में उनके लिए जो अधिकार है उसके बारे में वो जानते हैं। जब भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान सर्वोच्च ग्रंथ है, तो सर्वोच्च ग्रंथ की जानकारी हर एक भारतीय को होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, 70% ऐसे लोग, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं, तो शायद मेरे गांव की 2000 की जनसंख्या है, मुझे लगता है 250-300 लोग होंगे जो संविधान को शायद ठीक ठाक जानते होंगे। साथ ही साथ मैं ये अपील विनम्रता के साथ, अगर मेरा संदेश कहीं तक पहुंचता है, संविधान सरल भाषा में होना चाहिए, टूटी फूटी जैसी भी एकदम आसान सरल भाषा में, ताकि हर एक व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ पाए। अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जो भारत की शैक्षणिक व्यवस्था क्या है सभी जानते हैं,
कितने लोग तब संविधान का जानकारी रख पाएंगे। अभी जैसे एक शब्द का एक वाक्य का हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, प्रव्रजन। अब बताइए, मैं अपना फिर अपने ही गांव को उदाहरण देता हूं। मेरे गांव की जनसंख्या 2000 के लमसम है। मुझे लगता है शायद 20 से 50 की संख्या में लोग होंगे जिनको प्रव्रजन का अर्थ मालूम होगा। इसका मतलब होता है कि जनसंख्या जब दूसरे जगह हस्तांतरित हो जाती है, उस शब्द को प्रव्रजन कहा गया है। बताइए, इसीलिए मैंने कहा सरल शब्दों में, तो कहीं ना कहीं शायद ये सरकार की दिलचस्पी नहीं है कि एक आम व्यक्ति संविधान को समझे, वो जागरूक हो पाए। बिल्कुल कैसे, इसीलिए मैंने कहा। अभी यहाँ और एक लाइन का जिक्र है, संसद द्वारा। ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं जिनको आपको फिर से पढ़ने के बाद फिर ट्रांसलेट करना होगा, इस शब्द का हिंदी शब्द का फिर अर्थ जानना होगा कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, विनियमन। बताइए विनियमन, मैं फिर अपने ही गांव को उदाहरण दूंगा, 2000 की जनसंख्या, 20 से 50 लोग शायद विनियमन का अर्थ जानते हैं। इसका मतलब है नियंत्रण करना, रोकना। तो इसलिए संविधान सरल होना चाहिए। साथ ही साथ भारत की जो 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में सम्मिलित हैं, उन भाषाओं में जो नहीं गोल को होता है, हॉलमार्क जो भी बोलते हैं, जो हम लोग डिक्शनरी वगैरह पढ़ते हैं जिसमें ओरिजिनल के एक लोगो होता है, उस लोगो के साथ 22 भाषाओं में छपे, अंग्रेजी के अलावा 22 जो हमारी अनुसूची 8 में शामिल भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, मराठी, इत्यादि जो भी हमारी 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, संथाली, उनमें। उसके बाद फिर जब स्टेट पर आप चले आते हैं तो उस स्टेट की भाषाएं, जैसे हमारे झारखंड, फिर 9-10 भाषाएं हैं, कुड़माली, खोरठा, पचपरगणिया, संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुक, फिर उन 9 भाषाओं में ट्रांसलेट हो ताकि एक आम व्यक्ति भी समझे। क्योंकि तो भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न बोलियों का देश है, अतः सभी के पहुंच तक भारत का संविधान होना चाहिए। इसलिए सरल, पहले 22, फिर राज्य के अनुसार जो भाषाएं हैं उनमें भारत का संविधान, और प्लस वो जो हॉलमार्क जो शुद्धता की बात करता है उसके साथ छपना चाहिए, ताकि कोई डब ना करे और गलत मिथ्या जानकारी ना रखे और कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट ना करे। तो भारत का संविधान, मेरा मानना है, घर घर तक पहुंचे तिरंगे के तर्ज पर। तिरंगा हृदय तो संविधान दिमाग, दोनों से हम लोग मजबूत रहें और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो बेहतर होगा। इसलिए आज पुनः भारतवर्ष के सभी जनता जनार्दन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक असंख्य असीमित शुभकामनाएं, और आशा करते हैं राष्ट्र हमारा एक उन्नत राष्ट्र के रूप में स्वयं को परिभाषित कर। लेकिन आज मैंने बहुत सारे सवाल आते हैं, खैर सवाल कभी बाद में करेंगे। जो सपना हमारे देश के क्रांति वीरों ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए राज्य, केंद्र की सरकार, जो दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट है, उसे सोचना चाहिए, उसे पहल करना चाहिए। एक आम व्यक्ति तक आजादी का लुत्फ उठा पाए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज एक आम व्यक्ति कहीं ना कहीं आजादी का अनुभव नहीं कर रहा है कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। इसलिए आज पुनः भारत को एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी चाहिए जिससे पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, ना कि चंद मुट्ठी भर अमीरों का, जिसका डर भगत सिंह को था, और उनकी डर बाजी है। हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष किसानों की आत्महत्या, छात्रों का सुसाइड करना, युवाओं का सुसाइड करना, भगत सिंह की उस चिंता को आज भी उजागर करता है। तो ये हम लोग चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, लेकिन नीति नियम तो वे लोग बनाएंगे जो सदन में बैठे हैं। सदन में बैठने वाले लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि राष्ट्र को लेकर कहां जाए। आज ही किसी से छुपा नहीं है कि भारत राष्ट्र भाई गो के भ्रष्टाचार, आज भी आवश्यकता है भगत सिंह की, आज भी आवश्यकता है देश को पटेलों की, कि राजमहल के अंदर अरे गहरे तन कर बैठे हैं, कि राजमहल के अंदर अरे गहरे तन कर बैठे हैं, बुद्धि जी भी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, अरे खैरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिन्हें होना था जेलों में वे मंत्री बनकर बैठे हैं। हरिओम पवार की ये मार्मिक लाइन भारत की राजनीति, चूंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं राजनीति से संचालित होती है, एक मार्मिक दृश्य को दर्शाता हुआ। आज ये स्थिति है हमारे भारत की, जिस भारत को लोग असंख्य बलिदान के बाद भारत का निर्माण किए हैं, उस भारत को चंद मुट्ठी भर लोगों का भारत ही आज के राजनेता बना रहे हैं।
सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादी पे राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ की बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उनको तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं है। असंख्य बलिदान आज भी दिया जा रहा है इस राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए, इस राष्ट्र को सही सलामत रखने के लिए। और आज जो लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीति आता है, आज वे कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इस देश को सौंपना चाहती है। इसलिए आज इस राष्ट्र को, राष्ट्र के हर एक युवा को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए। किस प्रकार आज भी लोग, सेना जो सरहदों पर है वो काम करती है, लेकिन भीतर जो हमारे सदन में बैठे लोग हैं, सरहद पर जो डटे हैं, खड़े हैं, वो अपना काम करती है, पर जो सदन में बैठे हैं वो अपने काम से कहीं ना कहीं दगाबाजी करती है। इसलिए आज पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर एक सबसे बेहतर विकसित राष्ट्र के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाए, इसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिलहाल हर घर तिरंगा, हर घर भारत का संविधान, यह मुहिम भी चलना चाहिए और सरल शब्दों में भारत का संविधान लिखा होना चाहिए, सभी भाषाओं में मान्यता प्राप्त बोले जाने वाले भाषाओं में होना चाहिए, सरल टूटी फूटी भाषाओं में होना चाहिए, ताकि एक आम व्यक्ति समझे। अगर आम व्यक्ति नहीं समझेगा, मैं अपने ही गांव का बार बार उदाहरण दूंगा, 2000 की जनसंख्या, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं, आज बहुत कम लोग हैं जो संविधान पर रुचि रखते हैं, फिर ऐसे में कैसे भारत का संविधानिक देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश सिर्फ कहने से नहीं होगा। ये धरातल पर तभी होगा जब आम व्यक्ति की उसमें रुचि होगी, रुचि तभी होगा जब उसको उस ढंग से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।